से हमने ये सारी बूटीज बनाई है। ये बहुत ही आसान है बट देखने में बहुत सुंदर लगती है। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने 32 फंदे लिए हैं। मैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैंने 32 फंदे लिए हैं। अब इसको इन सारे फंदों को मैं 80 सिलाइयों तक सीधा सीधा बुनूंगी। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ 80 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बुनूंगी। एक सौ के अंदर मैं इसको 40 गिनूंगी। ऐसे सीधी मेरे को पता है, आपको पता है, इधर डाल के ऊपर से बल लेके इस तरह करके सारे फंदे सीधे सीधे करके मैं 80 सिलाइयाँ करके फिर वापस आऊँगी। ये देखिए ये मैंने बुन लिया है। ये मैंने सीधी सीधी 80 सिलाइयाँ करी हैं, 80। यहाँ से मैंने 32 फंदों से शुरू किया था। 32 फंदे लेने के बाद अब उनकी मैंने सीधी सीधी 80 सिलाइयाँ करी हैं। इसके अंदर कुछ नहीं किया है, सिर्फ सीधा सीधा मैंने 80 सिलाइयों तक बुना है। ठीक है, अब जब मेरी 80 सिलाइयाँ हो जाएंगी तब अब शुरू के 11 फंदों को सीधा बुनते हुए मुझे बंद करना है। तो शुरू के 11 फंदे, एक फंदा बुनूंगी, दूसरा फंदा बुनूंगी, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में से निकाल दूंगी बाहर कि मेरा एक बंद हो गया, मेरा दो बंद हो गए, तीन बंद हो गए, चार बंद हो गए, ये लास्ट मैंने 11 बंद कर दिए। देखिए ये बंद होके इस तरह से आ जाएगा, ये मैंने बंद कर दिए हैं। अब इसके अंदर एक फंदा ये और 20 फंदे इस सिलाई के अंदर, टोटल मेरे पास 21 फंदे बचे हैं। तो अब 21 फंदों को मैं बुन लूँगी। 21 फंदों को उसी तरह से मैं सीधा सीधा बुनूँगी, बट अब इसमें मुझे पट्टियाँ बनानी है। जो आपने देखा था सॉक्स के शुरू में पट्टी थी, अब मुझे वो बनानी है। तो उसके लिए ये देखिए क्या रहता है, पहली सिलाई 4 सिलाइयों की एक कलर की पट्टी है, तो पहली सिलाई मेरी सीधी रहेगी नीली में। ये पहली सिलाई सीधी, ये देखिए पहली सिलाई मैंने ख़त्म कर ली है। अब मैंने अपने वर्क को पलट दिया है, जो दूसरी सिलाई है उल्टी तरफ से वो भी सीधी ही आएगी। ये पूरे 21 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। ये देखिए दूसरी सिलाई भी मैंने ख़त्म कर ली है। अब मैं तीसरी सिलाई के ऊपर हूँ। पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई सीधी, अब ये तीसरी सिलाई मुझे उल्टी निकालनी है। ये मेरी सीधी तरफ है, ये देखिए सॉक्स की मेरी सीधी तरफ है, इसको मैं उल्टा बुनूंगी। सारे फंदों को, जो मेरे 21 फंदे हैं उनको एक एक करके सारे फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी। इसमें स्टिच में चेंज नहीं आएगा, बट मेरी जो स्ट्रिप्स बनेंगी, जो लाइनें बनेंगी, उनमें बहुत सुंदर उठाव आता है। देखिए कंप्लीट करके मैं चौथी सिलाई पे आ गई हूँ, उल्टी तरफ। अब उल्टी तरफ मुझे सीधी सिलाई करनी है, इसमें पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई सीधी, तीसरी सिलाई उठती, और अब ये चौथी सिलाई भी सीधी होगी। ठीक है, इसके बाद मैं अपना सेकेंड कलर अटैच करूँगी इसके साथ। अपनी सिलाई कंप्लीट कर लिया, ये इस तरह से आ गई। अब आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। यहाँ से देखिए इस तरह के फंदे आएंगे पीछे की साइड से। अब मैं सीधी तरफ पे हूँ, यहाँ पे मुझे अपना सेकंड कलर अटैच करना है। तो जो मेरा सेकंड कलर होगा उसकी एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी आएगी। सीधी तरफ पे सीधी सिलाई, उल्टी तरफ पे उल्टी सिलाई आएगी। तो ये देखिए ये मैंने कलर अटैच कर लिया है। ये मैं बिना गांठ से अटैच कर रही हूँ कि मुझे गांठ ना लगानी पड़े। शुरू के फंदे मेरे डबल आएंगे, बट इस तरीके से मुझे गांठ नहीं लगानी पड़ती। दोनों धागों को पकड़ के, देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, दोनों धागों को पकड़ के बुन रही हूँ। ये सिलाई मैं पूरी सीधी बुन लूँगी, सिलाई मैंने सीधी बुन ली है। अब नेक्स्ट सिलाई जो वाइट कलर की सेकंड सिलाई है, इसको मैं उल्टा बुनूंगी।
ये मेरी वाइट कलर की सेकंड सिलाई है, उल्टी तरफ से इनको मैं उल्टा बुन रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरी करके अब मैं तीसरी सिलाई पे आ गई हूँ। तो वाइट कलर की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से सीधे फंदों की आएगी, सारी सिलाई मैं सीधी करूँगी। इसमें एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी आती है, सीधी तरफ में सीधी सिलाई, उल्टी तरफ में उल्टी सिलाई। ये उल्टी तरफ में आ गई हूँ चौथी सिलाई पे, ये सिलाई मेरी उल्टी होगी, सारे फंदों को मैं एक एक करके उल्टा बुन लूँगी। देखिए मैंने कर लिया, ये मेरा इस तरह से आ गया है। अब फिर चार चार सिलाइयों की इसमें मुझे डिब्बी डालनी है, तो चार सिलाइयाँ मेरी सफ़ेद की हो गई है। अब मैं फिर नीले रंग पे आऊँगी, नीले रंग का वही पैटर्न रहेगा, पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई सीधी, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से उल्टी आएगी और चौथी सिलाई सीधी आएगी। इस तरह करके नीली और सफ़ेद की मैं 19 डिब्बियाँ डाल लूँगी, 19 डिब्बियाँ डाल लूँगी। नीली से शुरू होते हुए नीली पर ही ये डिब्बियाँ ख़त्म होंगी। देखिए मैंने नीली की चार सिलाइयाँ पूरी कर दी हैं, ये इस तरह से आएगा बिल्कुल उभरा हुआ। इसमें पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई सीधी, तीसरी सिलाई उल्टी आएगी सीधी तरफ से और चौथी सिलाई सीधी। इस तरह हो गया। अब ये चार सिलाइयाँ नीली की डाल के फिर मैं चार सिलाइयाँ इसी तरह सफ़ेद की डालूंगी। इस तरह करते हुए नीले से शुरू मैंने ये किया था, नीले ही पे ही ख़त्म करते हुए 19 सिलाइयाँ मैं अपनी 19 डिब्बियाँ मैं अपनी डाल लूँगी और डाल के फिर मैं वापस आऊँगी। ये मैंने पूरा कर लिया है, ये नीले से शुरू करते हुए यहाँ नीले तक मैंने 19 डिब्बियाँ डाल ली हैं। जब ये डिब्बियाँ डालने के बाद हम इसको इस तरह से इक्वल करेंगे, तो ये देखिए ये दोनों पेच इक्वल आ रहे हैं, एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से ये मेरा पूरा बराबर आ रहा है। अब इस तरह करने के बाद अब मैं इनको बंद कर दूँगी अपने सारे धागों को। तो उसी तरह से देखिए, एक पहले मैं अपना सीधा बुनूँगी, दूसरा सीधा बुनूँगी, पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से निकाल दूँगी, फिर अगला बुनूँगी, एक एक फंदा बुनती जाऊंगी, पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से निकाल दूंगी, एक एक फंदा बुनती जाऊंगी, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूंगी। इसको बंद करना कहती हैं। इस तरह करके मैं अपने सारे फंदों को बंद कर दूंगी। देखिए लास्ट के दो फंदे रह गए हैं, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाला। अब लास्ट का मेरा एक फंदा रह गया, इसके लिए यहाँ पे इस तरह करके मैं काटूँगी, थोड़ी लंबी काटूँगी ताकि मेरे को आगे ये सिलाई में काम आए। फंदे के बीच में से धागा निकाला और इसको इस तरह से बंद कर दें। ये मेरे सारे बंद हो गए, वाइट अभी भी यहाँ चालू है, इसको भी मैं थोड़ा लंबा करके काट दूँगी क्योंकि आगे मुझे सिलाई में काम आएगी। बस अब हमें जुराब के लिए, जो बूटीज हम बना रहे हैं इसके लिए कुछ और नहीं करना है, बस इसके आगे हमें सिलाई करनी है और हमारी बूटीज तैयार हो जाएंगी। सिलाई किस तरह से करनी है पहले मैं वो बताती हूँ आपको। जो हमने यहाँ पे नीला धागा छोड़ा था, जो स्वेटर सीने वाली मोटे छेद वाली सुई होती है उसके अंदर डाल लूँगी। अब उल्टी तरफ से देखिए, जो ये सीधी तरफ है ये अंदर रहेगा, जो उल्टी तरफ है ये बाहर रहेगा। इसको इस तरह बाहर करते हुए लेकर आऊंगी। अब देखिए यहाँ से लेकर अब जो मेरा पहला है इसके अंदर से इस तरह से मैं डालूंगी। अब जो ये धागा है इसके साथ इसको गांठ लगा लूंगी ताकि ये पक्का हो जाए। उसके बाद एक एक करके मैं सारे फंदों के साथ इसकी सिलाई कर दूंगी। तो एक धागा इसमें से, एक धागा इसमें से, इस तरह करके। अगर आप इस तरह से सीना चाहते हैं टाके लगाते हुए तो वैसे भी सी सकते हैं। पीछे सुई को डालिए और आगे की तरफ से बाहर निकाल दीजिए, करना बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे। पीछे की तरफ सुई को डालिए, आगे की तरफ से बाहर निकाल दीजिए। ये मजबूती के लिए होता है कि बिल्कुल मजबूती आ जाए। इस तरह करके मैं इसको पूरे को सी लूँगी। ठीक
देखिए पूरा सिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मजबूती से बंद कर लूँगी। यहाँ पे मेरा वाइट धागा भी है, इसके साथ इसको गांठ लगा लूँगी। दोनों में मजबूतियाँ छोड़ दूँगी। देखिए मैंने धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद अब जो मेरा इस तरह का है इसको मैं खींच के इस तरह कर दूँगी, मतलब जहाँ से मेरी बीच में सिलाइयाँ हैं, जहाँ से मैंने ये जॉइन किया है उसको मैंने आपस में इस तरह से बंद कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ये जो ब्लू ब्लू है यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है, तो पहले मैं सुई को इधर इसी के अंदर डालूँगी। देखिए यहाँ जो ये है इसके साथ इसकी गांठ लगा दूँगी। गांठें हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे धागे को मजबूती मिल जाए। अब कैंची से काटने की जगह इसको हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये हमारा सिलाई के अंदर ही छुप जाए। ये मैं उल्टी तरफ से ही सिलाई कर रही हूँ। अब इसके बाद इसको एक एक धागे के अंदर से इस तरह से निकालेंगे। धागों को मैंने यहाँ पकड़ रखा है ताकि ये इसी के अंदर वो हो जाए। बहुत ही सिंपल बूटीज़ हैं बनाने में, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल हमें सीधा उल्टा बुनना है। कोई घटाई कोई बढ़ाई नहीं है। ये देखिए मैंने सिलाई अच्छे से कर दी है। अब ये मुझे धागा वापस अपना यहीं चाहिए, मुझे धागा अपना वापस आगे ही लेके जाना है, तो मैं धीरे धीरे इसको इस तरह से ले जाते हुए आगे ले जाऊंगी। देखिए मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ से मैंने सिलाई करनी शुरू करी थी। अब इसके बाद इन सारे धागों में से मुझे इस तरह इसके बीच में से धागों को निकालना है। ये मैं टांका नहीं लगा रही हूँ, इनको जोड़ नहीं रही हूँ मैं, ये इस तरह से एक एक करके मुझे धागा इनके बीच में से निकालना है, इस तरह से। ये अभी मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, बस सुई को इनके अंदर एक एक उनके अंदर डालते जाइए, जिस तरह से हम कच्चा करते हैं उस तरह से ये इसके अंदर पिरता चला जाएगा धागा। देखिए इस तरह से और इस तरह करते हुए मैं अपना दूसरी तरफ निकाल दूंगी। ये मैंने सिलाई नहीं करी है, ये मेरा छेद इसी तरह का है। मैं दूसरे एंड पे पहुंच गई हूँ। दूसरे एंड पे पहुंच के अब मैं इसको धागे को खींचूँगी और सारे इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट कर लूँगी। ये देखिए मुझे ये ध्यान रखना है कि पीछे वाला धागा ना खींचे, क्योंकि मैंने धागा का स्ट्रिंग एक ही ली थी। आगे से अच्छे से खींच के अब यहाँ पे मैं इनको जोड़ते हुए सिलाई कर दूँगी। ये शेप देने के लिए मुझे इस तरह से करना पड़ा। अब मैं आपस में पकड़ते हुए इनकी इस तरह से सिलाई कर दूँगी।
अच्छे से मैंने कर दिया है। यहाँ से मेरा सील हो गया है, अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करके ये मेरी शेप आ गई है, देखिए फ्रंट से मेरा इस तरह से रहेगा। अब मुझे यहाँ पे भी अपनी सिलाई करनी है, तो उसको किस तरह से करूँगी, जो दो धागे मैंने छोड़े थे उन्हीं को ले रही हूँ। अब यहाँ से भी जैसे मैंने नीचे किया था उसी की तरह एक एक स्ट्रिंग के अंदर डालते हुए, जिस तरह से हम कच्चा करते हैं, इस तरह से हर एक में से मैं निकाल लूँगी। मैंने इसको दूसरे हैंड पे निकाल लिया जहाँ से मैंने सिलाई शुरू की थी। अब इसको उसी तरह से खींच दूँगी, इस तरह अंदर की तरफ करके, इस तरह। इस तरह से आएगा, इसको खींच दूँगी। खींचने के बाद यहाँ पे वापस इसी के अंदर डाल के इसकी अच्छे से चारों तरफ से सिलाई कर दूंगी। करने के बाद इसको मैंने बाहर निकाल दिया। पीछे की तरफ ला के इसको मैं बंद कर दूँगा। अच्छे से दो तीन बार धागे में से अच्छे से निकाल के इसको गांठ लगाऊंगी और इसको कट कर। अब जो ऊपर जहाँ से मैंने अपना धागा शुरू किया था उसके एक सिरा काट के अगर मैं यहीं पे दोनों धागे काट दूंगी तो इसका मेरा लूज़ होने का ख़तरा रहता है कि कभी भी ये लूज़ होके इसमें से फंदे निकल ना जाएं। यहीं पे स्ट्रिंग को काट दूंगी तो इसका मेरा लूज़ होने का ख़तरा रहता है कि इसमें से मेरे फंदे निकल ना जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ इस तरह से करके धागे के बीच में से इसको निकाल के बैक साइड पे ले आऊंगी। देखिए इस तरह से निकाल जाएगा, थोड़ा सा आगे करके। अब मैं अपने धागे को काट सकती हूँ क्योंकि ये इसके अंदर सेफ रहेगा। अब इसको काट के मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ पे कोई मैं एक बड़ा सा बटन लगा लूँगी और इसका एक पेयर और बना लूँगी। ये मेरी जूती तैयार हो गई है। ये मेरा इजी बूटीज है, ये मेरा 1.5 से 3 साल के बच्चे के लिए है। इसके अंदर देखिए यहाँ 32 फंदों से मैंने शुरू किया, 32 फंदों को बुनते हुए सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने 80 सिलाइयाँ बुन ली। 80 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैंने 11 फंदे तो बंद कर दिए और जो 21 फंदे थे उनको आगे चार चार के दो कलर मिला के चार चार के डिब्बियाँ बना डालते हुए 19 डिब्बियाँ डाल ली और यहाँ पे उसको बंद कर लिया। उसके बाद सिलाई करनी है, सिलाई का तरीका वीडियो में है। अगर आपको ये न्यू बॉर्न के लिए बनाना है बिल्कुल, तो हम 22 फंदों से शुरू करेंगे। इसमें 60 सिलाइयाँ बुनेंगे, 8 फंदे बंद कर लेंगे, 14 फंदों से 15 डिब्बियाँ डालेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने इस तरह का ये एक बटन लगा लिया है, ये लगा के मेरी इस तरह आ गई है। अब इसी की मैंने एक पेयर और बना लिया है सेम तरीके से। ये देखिए अब ये मेरा बुटीक का पेयर तैयार है।
ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छे से आएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। आप इनको बना के अपनी पिक्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।